एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, वाराणसी से जुड़ी है। नारायण दास सराफा कारोबारी के ठिकानों पर रेड जारी है। बीते चार दिनों से जारी है आईटी के रेड। आईटी की टीम खंगाल रही है अहम दस्तावेज। जांच के दौरान 3 करोड़ कैश बरामद किया गया है। कारोबारी के 20 ठिकानों पर आईटी के रेड जारी है। आईटी की टीम ने 100 से अधिक कर्मचारी शामिल किया इस रेड में, और ये रेड पिछले 4 दिनों से लगातार जारी। कारोबारी के 20 ठिकानों पर आईटी कर रही है रेड। छापेमारी जारी है और बताया जा रहा है कि कैश की बरामदगी भी हुई है। आईटी की टीम में 100 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। 20 जगहों पर ये छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पिछले 4 दिनों से नारायण दास सराफा कारोबारी के ठिकानों पर रेड जारी है, और बताया जा रहा है कि करोड़ों के टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं, और इसीलिए पिछले 4 दिनों से ये छापेमारी चल रही है। अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुज, 4 दिनों तक रेड जारी रहने का मतलब क्या निकाला जा रहा है, क्यों इतना वक्त लग रहा है? देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वाराणसी में 8 ठिकानों पर नहीं, आसपास के जिलों पर भी, जैसे पटना और गोरखपुर में भी, इनके कुल मिला के 20 ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जांच चल रही है। कुल जो इन्होंने 200 करोड़ की खरीद बेच की है, इसका एक का जो कागजात है, जो भी इनका जीएसटी को लेकर के सारा कुछ है, उनको एक चीज पर देखा जा रहा है और उस पर आयकर पे जो नजर है उसपे बनी हुई है लगातार। अभी तक का जो निकल के आया है सामने, वो 3 करोड़ रुपए इनके कैश बरामद हुआ है, और बिस्किट सोने की कुछ छोटी छोटी फिल्लियां भी बरामद हुई है। लेकिन जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, क्योंकि अभी आज 4th दिन है। मंगलवार की सुबह से लगातार ये कार्रवाई चल रही थी। कभी जो 2 दिनों का था वो रात भर भी कार्रवाई चली है, जिससे आज भी जो कार्रवाई का है वो भी लगातार चल रही है। तकरीबन 100 की टीमें हैं आयकर की जो बनारस में अभी मौजूद है, और इनके 8 ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है, चाहे वो शोरूम हो, चाहे उनका आवास हो, तमाम जगहों पर इनका जो कार्रवाई वो लगातार चल रही है। जो अगर हम बात करें लेजर की, तो लेजर भी फटे हुए मिले हैं, जीएसटी में भी कुछ इनकी गड़बड़ी मिली है, तमाम चीजों में इनकी गड़बड़ियां मिलती जा रही है। लेकिन अभी तक कुछ निकल के सामने जो आया है सामने, बस ठीक है। अनुज, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो 3 करोड़ कैश बरामद किया गया है, और 20 ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट के 100 अधिकारियों ने छापेमारी की है, और पिछले 4 दिनों से ये छापेमारी जारी है।